लाठी ले, पुलिस खड़ी है, सिर्फ रास्ता बंद कर दो। रास्ता बंद करे कोई समस्या है? ऑक्सीजन फैक्ट्री है, डूबी पड़ी है, अब आदमी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, तमाम आदमी अस्पताल में बीमार पड़ा है, ऑक्सीजन फैक्ट्री बंद पड़े, नेतन से कोई मतलब है नहीं। जब नेतन के घर डूबे पड़े हैं शहर के अंदर, उन लोगों के नाला नूलों सब डूबे पड़े हैं, क्योंकि सब नाला जो रहा है उनमें घर मकान बना दें, रास्ता सब बंद है पानी के। देखा लिए कि मशीन चल रही है, पानी निकाला जा रहा, फिर भी पानी कंट्रोल जगह पर बढ़ रहा है। भाई प्रशासन की गलती है, नाला वाला साफ नहीं होता, सारा पानी बैग होके भर गया यहाँ पूरा। अच्छा, ये जो यहाँ पर जलभराव की समस्या है, ये कौन सा इलाका है और क्या चीज़ यहाँ पर होता है, किस चीज़ का काम होता है? ये दर्शनिया इलाका है। हाँ। और ये जो है कॉलेज है सेरू। अच्छा। नर्सिंग का बच्चों की पढ़ाई होती है, नर्सिंग और सब भी, फार्मा की सब। हाँ। का अच्छा, ये जलभराव की समस्या कब से यहाँ पर देखने को मिल रही है? क्या प्रत्येक वर्ष रहता है या इसी वर्ष? हर साल। तो शासन प्रशासन कोई इसमें मदद नहीं करता या इसको लेकर सचेत कभी रहता हो? कोई मदद नहीं। प्रशासन का वो कोई मदद ही नहीं करा। प्रशासन अगर मदद कर, नाला बटे पड़े हैं इनका साफ सफाई करा दे, इनका सभी समस्या खत्म हो जाए। पीछे गांव पड़े हैं, सब डूबे पड़े, पूरा इलाका। आप अब बाहर निकलो, देखो जाए बाराबंकी तक। हाँ। लाठी ले, पुलिस खड़ी है, सिर्फ रास्ता बंद कर दो। रास्ता बंद करे कोई समस्या है? आप बाराबंकी पहुंचो, देखो चले रास्ता बंद करे, नालम सब घर बने हैं, मकान बने हैं, प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। न प्रशासन कर रहा, न शासन कर रहा, कुछ देख ही नहीं रहा। सब समस्या खड़ी है क्योंकि नाला बने, उन पर घर बन गए, मकान बन गए, पानी का रास्ता अवरुद्ध होगा। अब क्या किन जाए, तो नाला बना पड़ा रहा, आगे तीन तीन पुलिया बनी पड़ी, लोग कोई देखने वाला नहीं। कबो कोई अधिकारी या प्रशासन शासन कोई आकर, अब चार तीन दिन से पानी बरसात हो रही, पानी भरा है, कोई अधिकारी एक चेक कर ले तो सारंग फैक्ट्री जो ऑक्सीजन फैक्ट्री है डूबी पड़ी है, अब आदमी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, तमाम आदमी अस्पताल में बीमार पड़ा है, ऑक्सीजन फैक्ट्री बंद पड़े। प्रशासन देखा हुआ यहाँ तक के भाई बगल में फैक्ट्री है, ऑक्सीजन की जो फैक्ट्री है बगल में है सारंग, कोई देखने वाला नहीं है। कितने दिनों से बंद पड़ी? जब से पानी भरा, जैसे पानी परसों पानी बढ़ा पड़ा, आप देखो जो सारंग पहुंच के देख लो जाए, जितना पूरा इलाका डूबा पड़ा, धान गेहूँ जितना सब बर्बाद है। हाँ। अभी तक कोई अधिकारी नहीं देखा हुआ, का हुआ का नहीं हुआ। हाँ। कोई मतलब नहीं। शासन प्रशासन का वो को देखते हैं हर साल की समस्या। हाँ। बस जब भर जाते हैं तो वही ना, जैसे भी जो खुदा दे वो खुदा दे, आप देखो आगे निकल का। अच्छा, स्थानीय नेताओं से कभी कोई संबंध? स्थानीय नेता कोई है ही नहीं जो देखने वाला हो। नेतन से कोई मतलब है नहीं। जब नेतन के घर डूबे पड़े हैं शहर के अंदर, उन लोगों के नाला नूलों सब डूबे पड़े हैं, क्योंकि सब नाला जो रहा है उनमें घर मकान बना दें, रास्ता सब बंद है पानी के, यही समस्या है। प्रशासन को देख नहीं रहा है। दादा, जलभराव की जो समस्या है उससे किस तरह के आप लोगों के जीवन में असर पड़ता है या हर साल पड़ता है या इस बार पड़ता है? अरे तो हमेशा ये दिक्कत आती है, थोड़ा पानी बरसा मालूम समस्या यहाँ पहले खड़ी है। हाँ। अब इसके लिए मतलब जो है कोई देखे तो मालूम हुए। अभी जो है ना कोई देखने वाला है, जो दिक्कत आ रही है जनता तो झेल रही है। अभी आप लोग कैसे ये जल निकासी कर रहे हैं? अब जो है ये देखा लिए कि मशीन चल रही है, पानी निकाला जा रहा, फिर भी पानी कंट्रोल जगह पर बढ़ रहा है।